जैसलमेर के गांधी कॉलोनी स्थित एक बिल्डिंग में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गांधी कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर स्थित एक बिल्डिंग के किचन में युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला, लेकिन उसके घुटने फर्श पर टिके हुए मिले, जिससे मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। सूचना पर सिटी सीओ प्रियंका कुमावत, शहर कोतवाली भवानी सिंह सहित कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार मृतक रफीक पुत्र कासम खान केशुओं की बस्ती का निवासी था, साथ ही वो जैसलमेर में एक निजी कंपनी में काम करता था। युवक शुक्रवार शाम के बाद से किसी का फोन नहीं उठा रहा था। उसके बाद परिजनों द्वारा पता लगाने पर आज सुबह युवक का शव निजी कंपनी के किराए पर ली हुई बिल्डिंग में मिला। पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर शव और घटना स्थल के सैंपल लिए। घटना की सूचना मिलने पर पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर सहित कई कांग्रेसी नेता मौके पर पहुंचे, साथ ही निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग भी की। गुस्साए ग्रामीणों ने गाड़ियों और बाइक खड़ी करके रोड को जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद रोड को खोलकर शव को मोर्चरी के लिए रवाना किया गया। कांग्रेस नेता जानब खान ने बताया कि निश्चित तौर पर यह आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। मृतक के दो जगह से हाथ बंधे हुए थे, साथ में जो रस्सी है वो 40 से 50 किलो के वजन की क्षमता की है और युवक का वजन 80 किलो है। डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर पूरी तसल्ली होगी। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन पर हम शव को मोर्चरी में ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। वहीं सीओ सिटी प्रियंका कुमावत का कहना है कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करा। मौके पर FSL टीम को बुलवाया गया। परिवार की तरफ से जैसे ही प्राथमिकता दर्ज करवाई जाएगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को मोर्चरी में भेज दिया गया है, जहां पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस हॉस्टल के टीचर से भी इस दौरान पूछताछ की जा रही है ताकि मामले की तह तक जा सके। मामला तो यही आपके सामने है, ये जो मर्डर हुआ है, हमारे लोगों में अभी तक दिल और दिमाग में ये तसल्ली है कि भाई ये मर्डर हुआ है, अब सुसाइड जैसा लग नहीं रहा है। अब तो डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर पूरी तसल्ली तो होगी। हमें ये उम्मीद है कि भाई प्रशासन ने हमें सब कुछ मतलब आश्वासन बहुत अच्छा दिया है, उस आश्वासन पे हम ले जा रहे हैं डेड बॉडी जो है वो वहाँ मोर्चरी पे ले जा रहे हैं और पोस्टमार्टम कराएंगे, और उम्मीद यही है हमारे को न्याय मिलेगा, हम न्याय चाहते हैं। ऊपर की स्थिति बिल्कुल मर्डर है, बस उनके हाथों पे निशान, हाथ बांधे हुए थे दो जगह से, एक कहनियों पे एक नीचे घुटनों पे, दोनों जगह हाथ बांधे हुए लग रहे हैं। और जो रस्सी है वो रस्सी 40-50 किलो वजन उठाने जैसी है, इस लड़के में कम से कम 80 किलो वजन है, वो बिल्कुल कोई नहीं है, ये बिल्कुल सुसाइड है नहीं। हाँ, ये मर्डर का मामला है, अब क्लियर तो वो करेंगे अपना, बस वो भी गायब है, बिल्कुल गायब है ही नहीं। सामान बाकी सब कुछ है, लेकिन कैमरा जो है उसके अंदर जो क्या आती है, जैसे आती है क्या आती है, अब वो चीज नहीं है अंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।